राम राम दोस्तों, महम कांड देश का सबसे खूनी उपचुनाव जरा मुद्दा जीत हार का नहीं जिंदगी मौत का बन गया था। जित दिल्ली से ऑर्डर आए कि चाहे दुनिया में आग लग जो पर मेरा पोता बचना चाहिए। इस कांड के आज भी बहुत सारे सवाल किसे दो रहे कोनी आओ जाने महम कांड का पूरा सच। दोस्तों जय हुआ, यानी चैनल आपके सामने पहली बार आया है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर दियो। रोंगटे खड़े हो जाते हैं अब भी जब वो याद आती है तो रिश्तेदार यहाँ मजाक जाननी चाहिए और उन्होंने आके जबरदस्ती करी बूथ कैप्चर कर लिए। अगर जनता का साथ नहीं होता तो शायद आज मैं इस दुनिया में। साल 1990 केंद्र में जनता दल की सरकार थी। प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह और उप प्रधानमंत्री बने अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री और उस टाइम के देश के कद्दावर नेता चौधरी देवीलाल। जब देवीलाल मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर उप प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे तो हरियाणा में सवाल उठ गया कि यार मुख्यमंत्री ईब बड़ा कौन है। तो इस कुर्सी के दावेदार इन्हें के दो बेटे ओम प्रकाश चौटाला और रणजीत चौटाला खड़े हो गए। पार्टी में दो गुट बन गए, एक के लीडर ओम प्रकाश चौटाला और दूसरे के रणजीत चौटाला। दोनों गुटों ने खूब मेहनत करी मुख्यमंत्री की कुर्सी पानते ही, पर आखिरी में ओम प्रकाश चौटाला बाजी मार गए। चौटाला मुख्यमंत्री बन तो गए थे पर वह विधानसभा के सदस्य तो थे नहीं, तो नियम के अनुसार उन्हें छह महीने के भीतर भीतर विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी था। दो सीट खाली पड़ी थी, एक कुरुक्षेत्र की और एक महम की। चौटाला साहब चाहते तो राम तक कुरुक्षेत्र तक लड़के MLA बढ़ जाते पर उन्हें महम सीट चुनी। क्यों चुनी? क्योंकि यह सीट देवीलाल जी ने खाली करी थी। तो देवीलाल की सीट पर चुनाव लड़के ओम प्रकाश चौटाला अपनी पार्टी में और जनता तय यो संदेश देना चाहते कि देवीलाल के असली राजनीतिक वारिस ओम प्रकाश चौटाला के अलावा कोई नहीं है। 27 फरवरी 1990 वो दिन था जिस दिन वोट पड़ने थे। चुनाव की तैयारी शुरू हुई, चौटाला साहब ने लगा था आप तो चुनाव जीते बैठे, लेकिन न्यूको है कदे देवीलाल की जय जयकार करने वाले मदीना गांव के आनंद सिंह दांगी ने रणजीत चौटाला के कहने पर निर्दलीय उम्मीदवार का प्रचार भर दिया और इन्हें चुनाव चिन्ह मिला शेर का निशान है। शुरुआत में तो ओम प्रकाश चौटाला की जीत सबने एक तरफा दिखी थी पर जो जो आनंद सिंह दांगी का कैंपेन बढ़िया और गम्मा गम्मा रुके लगने लगे मारा शेर तो चौटाला और दांगी के बीच जबरदस्त टक्कर होगी और एक एक वोट मायने रखने लग गया। गिन लगे लोग कि यो कित जाओगा यो कित जाओगा कौन सा वोट करे पड़ेगा। आनंद सिंह दांगी ने एक इंटरव्यू में बताया कि चौटाला सरकार ने मारे ऊपर इतनी ज्यादा करी थी कि मारे को चुनाव प्रचार थी ऑफिस भी नहीं खोलने दिए गए, जिसका भी घर किराए पर लेने जावे अगली तड़की मकान मालिक नाइट जाए कि भाई हम तो हमने अपना घर किराए पर नहीं देंदे। इन सब तक दुखी होकर हमने तो अपना चुनाव प्रचार का ऑफिस एक खुले पार्क में खोल कर प्रचार करा था। फिर 27 फरवरी का दिन आया, रैपर की लगभग एरिया में शांतिपूर्ण चुनाव होया पर महब चांदी और पेंसी में 8 बूथा पर भारी गड़बड़ी की शिकायत मिली। तो आनंद सिंह दांगी पहुंचे इलेक्शन कमीशन द्वारा और इलेक्शन कमीशन ने फटाफट इनकी शिकायत का संज्ञान लिया और इन 8 बूथा पर चुनाव कैंसिल करके अगले दिन 28 फरवरी ने दोबारा चुनाव करवाने की घोषणा कर दी। आनंद सिंह दांगी को है कि यह गड़बड़ी इतने बड़े लेवल की थी कि पुलिस के DSP रैंक के अधिकारी चांदी गांव में फर्जी वोट डाल दे रंगिया तो पकड़े गए थे। अगले दिन 28 फरवरी ने रीपोल शुरू हुआ था कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर गड़बड़ी के आरोप लाने शुरू करे। बाद तू मैं तो शुरू हो गए, कया फूनी होने लगी, धक्का मुक्की तक पहुंच गई और फिर मार पिटाई का रूप लेगी। CRPF ने इतने बड़े लेवल पर जूता बजता देख हस्तक्षेप करा तो उस भीड़ ने CRPF का एक जवान पीट पीट कर मार दिया। जवाबी कार्रवाई में CRPF ने भी गोलियां चला दी और 6 लोग मर गए। इस टाइम पे आपने मैं थोड़ा रोक के जानकारी देना चाहूँ, आपने लोकल लोफर का हरियाणवी टी शर्ट का ब्रांड लॉन्च करा है। कति सस्ती सस्ती हरियाणवी डिजाइन किसी से टी शर्ट आपके गाँव के आपके घर तक आपके दलीज तक कैश ऑन डिलीवरी मिलेंगी। क्या करना है? localloafer.com पर जाकर बस एक ऑर्डर देना है। इब अपने मुद्दे पर उल्टे चल रहे हैं। इस घटना पर आनंद सिंह दांगी का कहना है कि पेंसी गांव में एक दौड़ता 2-3 गाड़ी आकर रुकी और अभय चौटाला और उसके 5-6 साथी कमरे के भीतर जाने लग गए। जरा वोट पड़े थी, हमने रोक क्या तुम्हारे के लिए धक्का दिखी हुई
और इन्हें गोली चला दी जिससे 3-4 आदमी मर गए और ये कमरे के भीतर जाकर वोटा में गड़बड़ करने लगे और बंसी गांव के स्कूल के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी होगी और ईव अवैध चुका ने अपनी जान की परवाह होने लगी। इस भेंट से अपनी जिंदगी बचाने अवैध चुटाला ने 22 साल के कॉन्स्टेबल और वंश की वर्दी तो खुद पहनी ताकि वो पुलिस आ लग गए और उस वंश ने अपने कपड़े भरा के स्कूल के पच्चे से बाहर निकाल दिया। जनता ने देखा ओ जाओ अभय चुटाला पच्चे पड़ ली और जब तक समझ में आंदा कि अभय चुटाला नहीं है तब तक वो 22 साल का छोरा पीट पीट के भीड़ ने मार दिया और अभय चुटाला उस पुलिस आड़े का भेस लेकर आराम से अपनी जान बचा के निकल गया। आनंद सिंह दांगी का कहना है कि ऑटो से उप प्रधानमंत्री कार्यालय यानी देवलाल जी के ऑफिस तक आए थे कि चाहे कितना ही खून खराबा हो जाए मेरे पोते की जिंदगी बचनी चाहिए। अगले दिन देश के हर छोटे बड़े अखबार ने महम कांड अपने पहले पेज पर छाप दिया और इलेक्शन कमीशन ने भी इस हिंसा का संज्ञान लेकर चुनाव के परिणाम पर रोक लगा दी। देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने एक सर्व पार्टीय कमेटी बनाई जो महम में आकर लोगों में बतलाई और रिपोर्ट दी कि पूरे के पूरे महम में अटके चुनाव कराए जावे। इलेक्शन कमीशन ने इस कमेटी की बात मान के 17 मई 1990 ने अटके महम में चुनाव कराने की घोषणा कर दी। इस बार महम के साथ साथ दड़बा कला विधानसभा में भी उपचुनाव होने थे। दड़बा कला में क्यों होने थे? क्योंकि जो ओडे की MLA थी विद्या बेनीवाल उनको चुटाला साहब ने अपनी जगह राज्यसभा में भेज के वह सीट खाली करा ली थी। तो ईव चुटाला जी दो जगह से चुनाव लड़ने आ रहे थे, महम जड़म की टक्कर दांगी के साथ थी और दड़बाकला जड़म की जीत पक्की थी। पर यो हरियाणा है प्रधान और बिना बवाल बिना पंगे कोई काम नहीं होता। इस टाइम पे किसी घटना होगी जिसके बेस पे आगे की कहानी लिखी गई। एक अमीर सिंह नाम का मदीना गांव का आदमी इस चुनाव में निर्दलीय खड़ा हो जाए। कहना रहे को है कि जो अमीर सिंह देवीलाल का इतना बड़ा भगत था कि उसके पास दबाया करता लेकिन इसकी हत्या हो जाए और लाश मिला है मुंडाल गांव में। हत्या का इल्जाम अमीर सिंह के भाई ने आनंद सिंह दंगे पर ला दिया और आनंद सिंह के समर्थक ने ओम प्रकाश चुटाला जो मुख्यमंत्री थे उन्हें पर इसका इल्जाम जड़ दिया। आरोप प्रत्यारोप चलते रहे लेकिन FIR दर्ज होगी आनंद सिंह दांगी के खिलाफ और झुक रहे अमीर सिंह का दाह संस्कार होया। 350 के लगभग पुलिस फोर्स आनंद सिंह दांगी ने मदीना गांव में गिरफ्तार करने पहुंच गई। झुक रहे मदीना गांव में पुलिस आई तो किलकिल पार्टी गांव में पुलिस आ गई पर यारा आनंद सिंह दांगी बतावा है कि तो रोड़ा बना सोया तो मैं अपनी हवेली के छज्जे पे पैर आया तो एकदम तक पुलिस ने मेरे ऊपर एक गोली चला दी, वो तो निशाना चूक गया और मैं बच गया। जब पुलिस ऊपर बाजी आनंद सिंह दांगी ने गिरफ्तार करने तो पैड़िया में दांगी की घर आड़ी और 7-8 लुगाई और पुलिस गलिया भिड़ गई जिसमें 10-15 मिनट लग गए और आनंद अपने घर के पाचे ने कूद के बाहर भाज गया। लेकिन मदीना गांव दोस्तों सारा का सारा खड़ा हो गया था आनंद सिंह दांगी ने पुलिस की गिरफ्तारी तय बताते ही। पुलिस ने जनता पे गोली चलाई और 3 लोग मरे, एक तो आनंद सिंह दांगी का नौकर, एक बुढ़ी लुगाई धार कैट का आवती वाह और एक छोरी अपनी घर की खिड़की में बैठ कर सारा तमाशा देख रही थी उसका गोली लगी और 8-10 लोग घायल भी हुए। जो दूसरी बात था जब महम में चुनाव में पंगा होया था और अगले दिन फिर देश के अखबार महम कांड की खबर आते भरे हुए थे। यह बात देश की कितनी बड़ी थी कि हजारों लोग आगे राजीव गांधी भी मदीना गांव में आए थे। पहले वह अमीर सिंह के घर आ गए फिर आनंद सिंह के दांगे घर पर बैठ कर वह गोले के निशान देख के सारी जगह घूमे और मदीना गांव में अपनी जीप पर चढ़ कर राजीव गांधी ने भाषण दिया कि कल देखियो हम पार्लियामेंट में के करेंगे, जब तक पार्लियामेंट चालू नहीं देंगे जब तक इस मुद्दे का निपटारा नहीं होगा। ईप प्रधानमंत्री वीपी सिंह उप प्रधानमंत्री देवीलाल जी के ऊपर बहुत घना दबाव आ गया था कि कुछ ना कुछ कठोर निर्णय लिया जाना चाहिए और निर्णय लिया भी गया। के निर्णय लिया कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री के पद से रिजाइन करेंगे और आनंद सिंह दांगी का कहना है कि देवीलाल की उप प्रधानमंत्री कुर्सी भी इसे कारण के चलते गई थी। ईब तीसरी बार महम में उपचुनाव होना था तो राजीव गांधी के कहने पर आनंद सिंह दांगी कांग्रेस में शामिल होकर उनकी टिकट पर महम उपचुनाव लड़े थे और जीते भी थे। ओम प्रकाश चुटाला 53,000 वोटा तक जीत के बस MLA बने थे, मुख्यमंत्री नहीं क्योंकि उस टाइम पे मुख्यमंत्री बन चुके थे
बनवारी दास गुप्ता जी। दोस्तों यो वक्त कदे किसे का कदे किसे का, एक टाइम पर जो महम के लोग अभय चौटाला की जान लेन आ रहे थे 11 फरवरी 2021 ने, उनने लोगों ने महम चौबीसी में बुलाकर अभय चौटाला को सम्मानित करा था। इस वीडियो की सारी जानकारी आनंद सिंह दांगिये कुछ इंटरव्यूज थे और जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई है उन तक ली गई है, क्योंकि चौटाला साहब ने कदे भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष नहीं रखा। दोस्तों आपने ये वीडियो किसी लगी, आप लोगों की बहुत बड़ी डिमांड थी कि मैं कांड पर वीडियो बना, यह वीडियो आपने किसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो देखने